हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं टेक फ्रंट और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पैनासोनिक एल्यूगा i7 का, जो कि फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया गया। आप पैकेट देख पा रहे होंगे इसका। चलिए हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। और ये रहा हमारा प्रोडक्ट, इस प्लास्टिक में आया था, ये प्लास्टिक खाली। बिल, ये रहा हमारा प्रोडक्ट, ये बहुत अच्छे से पैक किया गया, मतलब ज़्यादा इसमें प्लास्टिक का जो है उपयोग नहीं किया गया, एक कागज का जो है लपेट के इसका पैक किया गया। और ये रहा आपका प्रोडक्ट, देख लीजिए। इसके फीचर्स की मैं बात करूं तो इस पर लिखा है 13.89 सेंटीमीटर HD प्लस डिस्प्ले और 18.9 बिग व्यू डिस्प्ले और 2GB रैम है इसका और 16GB इंटरनल मेमोरी है और 8MP रियर और फ्रंट कैमरा दोनों ही फ्लैश के साथ हैं। और सिम जो इसका है वो हाइब्रिड वाला नहीं है। 4000mAh का बैटरी है इसका और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और 2.5D का कर्व्ड डिज़ाइन है इसका। चलिए फिर इसे अनबॉक्स करते हैं। ये हमारा बॉक्स अनबॉक्स हो गया। इसके अंदर मिल जाता है आपको सबसे ऊपर आपका हैंडसेट, प्लास्टिक में पैक किया गया इसको भी, देख लें इसे। यहाँ ऊपर इसके कैमरा है, बीच में फ्लैश और उसके नीचे जो है सो फिंगरप्रिंट सेंसर। और राइट साइड आपको मिल जाता है पावर की और लेफ्ट साइड जो है सो वॉल्यूम अप और डाउन करने वाला की। तो चलिए और बाकी हम पैकेज देख लेते हैं क्या क्या है इनमें। ऊपर आपको कुछ स्टिकर्स मिल जाते हैं पैनासोनिक के। अब इसके अंदर बॉक्स में देखते हैं और क्या। बॉक्स की पैकेजिंग तो अच्छे से की गई है, मतलब ठीक है। और ये वारंटी कार्ड उसके नीचे, ये रहा वारंटी कार्ड। फिर एक उनका बैक केस मिल जाता है आपको और किसी भी सहायता के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और उसके नीचे एक और जो है सो प्रोटेक्टिव स्क्रीन गार्ड दिया गया है। यूज़र मैनुअल, इसमें आपको फ़ोन कैसे चलाते हैं, क्या क्या सेटिंग सब करना है, वो सब के बारे में आपको दिया जाता है। और उसके अंदर ये मिल गया आपको एक ईयरफोन। चलिए अब दूसरा चीज़ देखते हैं। उसके बाद एक केबल मिल जाता है आपको चार्जिंग के लिए और USB में भी ये काम आता है, USB का काम करने के लिए। उसके बाद एक आपको मिल जाता है अडाप्टर चार्जिंग के लिए, इसके जरिए आप फ़ोन चार्ज करेंगे। चलिए हम फ़ोन को स्टार्ट कर लेते हैं। लॉन्ग प्रेस पावर की और ये स्टार्ट हो चुका है। इस पर लिखा है पावर्ड बाय एंड्रॉयड। नमस्ते जो है सो करके वेलकम कर रहा है। चलिए अब इसे लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। इंग्लिश इंडिया करके अब हम जो है सो इसे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा फोन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से आपको स्टार्टअप करने के लिए जो जो सेटिंग्स आते हैं वो सब करने को मिलता है। चलिए तब तक मैं ऊपर वाले इस मास्क को हटा देता हूँ इसे फुल करके। और ये बिल्कुल अब क्लियर देखने में लग रहा है। देखिए अब ये सेटअप होके स्टार्ट हो चुका है और ये रहा इसका इंटरफेस। इतने सारे ऐप्स हैं बस, यानी कि ज़्यादा आपको जो है सो डिफ़ॉल्ट ऐप्स नहीं मिलेंगे इसमें, जो कि जैसे कि दूसरे कंपनियों में मिलता है। पहले से ही आपको जो है सो बहुत सारे ऐप्स भर के दे दिए जाते हैं। और इसके सेटिंग्स, ऊपर वाले नोटिफिकेशन वाला पैनल इस तरह का आता है और यहाँ से आप जो है सो क्लिक वगैरह करके
अपना काम कर सकते हैं। अब हम इसके सेटिंग्स में जाते हैं और देखते हैं फ़ोन की डिटेल्स, फ़ोन में क्या बता रहा है। यहाँ आपको सबसे नीचे मिल जाता है सिस्टम का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक कर देना है और उसमें आपको सबसे नीचे फिर मिल जाएगा अबाउट फ़ोन। यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं रैम इसमें 2 GB दिख रहा है और रोम 16 GB और एंड्रॉयड का 9वां वर्जन है ये। आप इस पर क्लिक करके और भी कई जानकारी ले सकते हैं। उसका सिक्योरिटी पैच लेवल जो है हाल में जनवरी 2020 को आया था। और अब हम इसके कैमरे की बात करेंगे, इसे मैं कुछ तस्वीर कैप्चर करके आपको दिखा दूंगा। ऐसा कि कुछ ये तस्वीरें हैं जो मैंने पैनासोनिक LUGA i7 से कैप्चर किए हैं। अब देखिए पिक्चर की क्वालिटी कैसा है, आप खुद जान जाएंगे। और इसमें मैंने फिंगरप्रिंट अभी लगा दिया है, तो देखिए फिंगरप्रिंट कैसे खुलता है। लॉक हो गया और ये फिंगरप्रिंट सेंसर पे क्लिक करते ही खुल गया। देख सकते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस तुरंत ही जो है इसको खुल जाता है। फिंगरप्रिंट प्रेस एंड फोन इज अनलॉक्ड। और इसमें आपको जैसा कि पहले भी दिखाया गया, इसमें ज़्यादा डिफ़ॉल्ट ऐप्स नहीं है, मात्र गूगल के सारे ऐप्स हैं, बहुत से बहुत। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ये था पैनासोनिक LUGA i7 का अनबॉक्सिंग वीडियो।